आज का ये वीडियो क्लास टेंथ के लिए है। क्लास टेंथ का ये पोइम जो है, पोइम की जो ये संख्या है वो है चौथी पोइम। ठीक है, तो चौथी पोइम है ये, तो इसका जो टाइटल है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, अर्थात वन्य जीवों को कैसे पहचाने। यहाँ टेल का मतलब बताना नहीं है, ठीक है ना, पहचाना है। हाउ टू टेल, कैसे पहचाने विल्ड एनिमल्स, जंगली जीवों को, जंगली जानवरों को या वन्य जीवों को कैसे पहचाने, ये इसका है। इस पोएम को लिखा किसने है? कैरोलिन वेल्स ने। कैरोलिन वेल्स ने इसको लिखा है, ये आप ध्यान रखें। एक तो कविता का जो नाम होता है ना, पोएम का जो नाम है, नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इसका नाम क्या है, और इसको लिखा किसने है? कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। तो ये दो बातें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखना है। देखिए आगे, दिस ह्यूमरस पोएम, ये एक हास्यपूर्ण कविता है। तो ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, ठीक है ना। दिस ह्यूमरस पोएम, ये एक हास्यपूर्ण कविता है। सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई विल्ड एनिमल्स, जो जंगली जीवों को, वन्य जीवों को पहचानने के लिए खतरनाक तरीके सुझाती है। रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर से पढ़ें। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, रिदम का मतलब है लय, इसके लय को मजबूत अर्थात ऊंचे और नियमित बनाए रखते हुए, इसके लय को ऊंची और नियमित बनाए रखते हुए इसे ज़ोर से पढ़ें। तो ये था इसमें परिचय के रूप में। अब देखते हैं पोएम के अंदर आइए। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप संयोग से कभी बाई चांस करते, संयोग से। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आप संयोग से कभी पूर्व के जंगलों में जाएं, यदि आप कभी पूर्व के जंगलों में कभी संयोग से जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और फिर वहाँ आपकी तरफ बढ़े ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर, भूरे पीले रंग का और बड़ा जानवर आपकी तरफ आगे आए, तो इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह आपकी तरफ दहाड़े एज यू आर डाइंग, जब आप मर रहे हो, यानी कि वह आपकी तरफ दहाड़े ऐसे कि आप मर रहे हो, यू विल नो इट, तो आप इसे पहचान लें, इज द एशियन लॉयन, कि यह एशिया का शेर है। ठीक है, तो यह एशिया का शेर है। फिर से देख लीजिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आप पूर्व के जंगल में संयोग से कभी जाएं, इफ एंड इफ देयर शुड गो शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो और यदि कोई बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी तरफ आगे बढ़े, इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह आपकी तरफ धाड़ने लगे एज यू आर डाइंग, कि आप मर रहे हो, उसके धाड़ने से आप मर रहे हो, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप इसे पहचान लें कि वह एशिया का बाघ है। अगला स्टेज देखिए, और अथवा इफ सम टाइम, यदि कभी किसी समय, यदि किसी समय व्हेन रोमिंग राउंड, इधर उधर घूमता हुआ, जब इधर उधर घूमता हुआ ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट यू, एक बड़ा वन्य जीव या जंगली जानवर आपका स्वागत करे, यदि कोई इधर उधर घूमता हुआ कभी कोई बड़ा जीव आपका स्वागत करे, जंगली जीव आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसके पीले शरीर पर, अब यहाँ ग्राउंड का मतलब धरातल नहीं, शरीर मान लीजिए, ऑन ए येलो ग्राउंड, यानी उसका शरीर धरातल जैसा पीला हो, ठीक है ना, तो उसका, उसके पीले शरीर के ऊपर काली धारियाँ हो, उसके, अब ब्लैक का मतलब काला होता है, ठीक है, स्ट्राइप्स का अर्थ है धारियाँ, उसके पीले शरीर पर, उसके धरातल जैसे पीले शरीर पर काली धारियां हो, जस्ट नोटिस, तो सिर्फ इसे समझ लें, इफ ही इट्स यू, यदि वह आपको खाने लगे,
यदि वह आपको खाने लगे तो दिस सिंपल रूल, तो ये एक साधारण सा नियम है, ये एक सहज सा नियम है, मे हेल्प यू लर्न, जो आपको ये समझने में मदद करेगा, दी बंगाल टाइगर टू डिसन, तो आप ये समझ लें कि वह बंगाल का बाघ है। तो आप यह छोटा सा साधारण सा नियम है जो आपको यह सीखने में, यह समझने में मदद करेगा कि वह बंगाल का बाघ है। कहाँ का बाघ है? बंगाल का बाघ। देखिए अगला स्टेज, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि स्ट्रॉलिंग का अर्थ है उछल कूद करते हुए, ठीक है ना, उछल कूद करते हुए, फोर्थ का मतलब है आगे, फोर्थ का अर्थ है आगे और बैक का अर्थ होता है पीछे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि आप किसी जानवर को उछल कूद करते हुए अपने सामने देख लें, अपने आगे किसी जानवर को उछल कूद करते हुए यदि आप देखते हैं, हुज हाइड, जिसकी खाल, हाइड का मतलब होता है खाल, हुज का अर्थ है जिसका, जिसकी या जिसे, ठीक है ना, ये बीच का अर्थ है, हुज हाइड विच स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो, ठीक है ना, स्पॉट्स का अर्थ है धब्बे, और पेपर्ड का अर्थ यहाँ जो अर्थ है वह है ढका होना, यानी कि कवर्ड होना, कवर्ड विथ स्पॉट्स कह लीजिए, ठीक है ना, तो यानी कि धब्बों से ढका होना, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी खाल जो है वो पीले, अर्थात उसकी जिसकी खाल जो है वो धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही ज्यों ही वह आपके ऊपर छलांग लगा दे, एज सुन एज यानी ज्यों ही, ठीक है ना, ज्यों ही वह आपके ऊपर छलांग लगा दे, ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वह आपके ऊपर छलांग लगा दे, यूल, यूल का मतलब है यू विल, ठीक है ना, यूल नो, तो आप इसे पहचान लें, इट इज़ दी लेपर्ड, यह तेंदुआ है, यानी तेंदुआ को पहचानने के लिए आप ये, आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे ये तेंदुआ है, कि ये आपके ऊपर वो छलांग लगाएगा, ठीक है ना, वह आपके ऊपर छलांग लगाएगा, तो आप ये तुरंत ये तय कर लें, आप ये तुरंत जान जाइएगा कि यह तेंदुआ है, ये ठीक है ना, इट इज़ दी लेपर्ड, ये तेंदुआ है, इट विल डू नो गुड, कोई लाभ नहीं होगा, टू रोड विथ पेन, यदि आप दर्द से चिल्लाते हैं, यदि आप दर्द से चिल्लाते हैं, रोड का मतलब दहाड़ना नहीं, चिल्लाना, ठीक है ना, यदि आप दर्द के मारे चिल्लाते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ये व्यर्थ हो जाएगा, नो गुड का अर्थ है व्यर्थ होना या कोई लाभ नहीं होना, ठीक है ना, तो इट विल डू नो गुड टू रोड विथ पेन, यदि आप दर्द से चिल्लाते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, हील, हील का मतलब ही विल, हील ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बार बार छलांग लगाएगा, वह आपके ऊपर बार बार छलांग लगाएगा, देखते हैं अगला पेज, वह आपके ऊपर बार बार छलांग लगाएगा, वह आपके ऊपर बार बार छलांग लगाएगा, अब ये देखना, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग, अगला स्टेज आइए, व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब आंगन भी होता है, प्रांगण भी होता है, इफ व्हेन योर वॉकिंग, जब आप घूम रहे हो, यदि जब आप घूम रहे हो राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में इधर उधर, जब आप अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हो या घूम रहे हैं, जब आप अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ कोई जीव मिल जाता है, प्राणी मिल जाता है, क्रिएचर का अर्थ है प्राणी, ठीक है ना, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ कोई प्राणी मिल जाए, हु हग्स यू, जो आपको गले लगा लेता है, वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत जोरदार, बहुत ही जोरदार तरीके से वह आपको गले लगा लेता है, बी श्योर, तो विश्वास कर लीजिए इस बात पर, इट इज़ ए बियर, कि यह एक भालू है, ये भालू ही है, अर्थात भालू जब मुलाकात करता है, किसी से मिलता है, तो उसको उसके गले मिलता है, यानी कि बहुत जोर से उसको गले से लगाता है, तो इस प्रकार से उसकी वो हत्या कर देता है, ठीक है ना, तो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही बहुत जो है जोरदार तरीके से आपको गले लगाता है, बी श्योर, तो आप यह विश्वास कर लें, ये मान लें, इट इज़ ए बियर, ये भालू है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको इसमें कोई संदेह हो, यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो, आई गेस, तो
कवि का अंदाज, कवि कहता है कि मेरा यह मानना है, मेरा यह अंदाजा है, अर्थात कवि का यह अंदाजा है कि ही गिव यू जस्ट वन मोर ग्रेस, वह केवल एक बार और आपको यही दुलार देगा, अर्थात जो है वो आपको प्यार से गले लगाएगा, ठीक है ना। तो प्यार से गले लगाना जिसे कहते हैं गिव ग्रेस, ठीक है ना। तो प्यार से वो आपको एक बार फिर से वो गले लगाएगा। तो ये था इसका, आगे देखते हैं अगला। दो टू डिस्टिंग्विश, दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश का अर्थ है अंतर करना या भेद करना, और बीस्ट का अर्थ है जानवर, और प्रे प्रे का अर्थ है शिकारी, ठीक है ना, शिकार। ये नोविस, नोविस का अर्थ होता है यहाँ नौसिखिया, अर्थात जो व्यक्ति किसी काम को सीखने के लिए नया होता है ना, उसको हम नोविस कहते हैं, इसको नौसिखिया भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, और अंग्रेजी में इसको नोविस कहते हैं, ठीक है, इसको आप नौसिखिया कहिएगा। दो टू डिस्टिंग्विश, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ये नॉविस माइट, नॉन प्लस, नॉन प्लस का अर्थ है उलझन में पड़ना, उलझन में होना, ठीक है ना, यानी पजल होना, नॉन प्लस होना, ठीक है, कंफ्यूज होना, ये मतलब है। यद्यपि एक नौसिखिया भी शिकारी जानवरों को पहचानने में, अब यहाँ पहचाना भी इसका अर्थ बन जाता है, डिस्टिंग्विश का अर्थ भेद करना, पहचानना, अंतर करना, ठीक है ना। यद्यपि एक नौसिखिया भी किसी नया, कोई नया व्यक्ति होता है ना, किसी काम को सीखने वाला, जो नया व्यक्ति है किसी काम को सीखने वाला, यद्यपि एक नया व्यक्ति भी अर्थात एक नौसिखिया भी शिकारी जानवरों को भेद करने में, शिकारी जानवरों को पहचानने में उलझन में हो सकता है, उलझन में पड़ सकता है। दी क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, दी क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम दी हाइना दस, इस प्रकार से आप एक मगरमच्छ को लकड़बग्घे से पहचान कर सकते हैं कि लकड़बग्घे में और मगरमच्छ में क्या फ़र्क होता है, आप उसको पहचान सकते हैं हमेशा इस तरह से, इस प्रकार से। हाइना कम विच मियरी स्माइल्स, जो लकड़बग्घा होता है, हाइना का मतलब होता है लकड़बग्घा, ठीक है ना, तो लकड़बग्घा प्रसन्नचित्त अर्थात आनंदित मुस्कुराहट के साथ आपके सामने पेश आता है। लकड़बग्घा, अब मेरी का मतलब है खुशी यानी हैप्पी या आनंदित, स्माइल्स का अर्थ है मुस्कुराहट, ठीक है ना। तो आनंदित मुस्कुराहट लेकर, विथ मेरी स्माइल्स, आनंदित मुस्कुराहट लेकर हाइना कम, हाइना आपके सामने पेश आता है, आपके सामने पेश होता है आनंदित मुस्कुराहट के साथ। बट लेकिन इट इफ दे वीप, यदि वे रोते हैं, यदि वे रोने लगते हैं, तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे लकड़बग्घे नहीं होते हैं, वे मगरमच्छ होते हैं। यदि वे रोते रहें, यदि वे रोने लग जाते हैं, तो वे मगरमच्छ होते हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि मगरमच्छ जो होता है वो आंसू बहाता है, इंसान की तरह आंसू बहाकर रोता है वो, ठीक है ना। तो हाइना कम विथ मेरी स्माइल से, लकड़बग्घा आनंदित मुस्कुराहट के साथ आपके सामने पेश आता है। बट लेकिन इफ दे वीप, यदि वे जानवर जो है, शिकारी जानवर जो है, वे रोने लगते हैं, तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वे मगरमच्छ होते हैं, क्योंकि ऐसा मगरमच्छ ही होता है जो आंसू बहाता है। देखते हैं अगला स्टेंजा। दी ट्रू कैमेलियन, दी ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, असली जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है आकार में। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की भांति, एक छिपकली के प्रकार का, एक छिपकली की भांति जो गिरगिट होता है वह आकार में छोटा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते, उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, ठीक है ना। एनी ईयर्स, ही हैजंट एनी ईयर्स, उसके कोई कान नहीं होते हैं, यानी उसके कान होते नहीं बिल्कुल भी। एंड एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक पंख भी उसके नहीं होता है, उसका पंख भी नहीं होता। सिंगल का मतलब इकहरा या एक, ठीक है ना, ये मीनिंग एक होता ही है, उसके एक पंख भी नहीं होता है, न तो उसके कोई पंख होते हैं, न ही उसके कोई कान होते हैं, बिल्कुल भी कान नहीं होते और पंख भी बिल्कुल नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन दी ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, यदि आपको पेड़ पर कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, इट इज़ दी कैमेलियन यू सी, तो जो आप देख रहे हो, जो चीज़ आप देख रहे हैं वह गिरगिट ही है, गिरगिट ही है, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो जो आप देख रहे हैं वह गिरगिट है, जिसके कान नहीं है और उसके पंख भी नहीं है। यह छिपकली के आकार का बहुत ही छोटा सा जीव होता है, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेंजे अच्छी तरह से समझ में आए हैं, और अधिक से अधिक इनको बार बार वीडियो को सुनिएगा। और इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स, इस बात को आप पूरी तरह से याद रखें। इसका लेखक और इस कविता का नाम जो था हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आप याद रखें। और आज के लिए बस इतना ही, और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक अंक भी प्राप्त कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।